हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य के बारे में बात करेंगे। 23/5/2024 की तारीख को JSSC के द्वारा जो है एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसके बारे में ही बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन में और इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि 1 to 5 की जो बची हुई एग्जामिनेशन है, सिर्फ हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 का हुआ है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज हैं, खोटा, संथाली, कुरमाली, पंच परगनिया, इनके एग्जामिनेशन की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। उसकी एग्जाम कब होगी उसके बारे में बात करेंगे, और जो बची हुई एग्जाम है वो कब होंगे, इसके अलावा 6 to 8 की परीक्षा कब होगी इसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़ अपडेट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। हाँ, एक और देखो, ये जो थंबनेल है आपको दिख रहा होगा, झारखंड में जो लोग बच्चे, जिन लोगों ने PG कर रखा है, JET के एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहे, इसकी वीडियो भी मैं आपको शाम तक अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी बातें सामने आई है वो आप तक मैं साझा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और चीजों को कवर करते हैं। यहां से आप नोटिफिकेशन देख पाओगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पे देखो, झारखंड प्राथमिक या फिर प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नोटिफिकेशन जो 3/2023 को निकाला गया था, और इसकी सूचना नंबर 34 है। 34 नोटिफिकेशन निकल चुका है। एग्जामिनेशन अभी तक जो है कंप्लीटली ना तो 1 to 5 का हुआ है और ना ही 6 to 8 का एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट कराया गया। अब यहां से आप देख सकते हो दिनांक 22/5/2024, और ये मिडनाइट को 2-3 बजे जो है इसको जारी किया गया इस नोटिफिकेशन को, तो इसलिए आपको एक दिन पहले का डेट यहां पे दिख रहा होगा। आज सिंस 23 है, लेकिन ये रात को नोटिफिकेशन अपलोड किया गया, इसलिए जो है 22 आपको यहां पे डेट दिख रहा होगा। अब देखिए कुछ और बातें यहां पे लिखी गई है, इसे ध्यान से देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की जो परीक्षा विवरणिका की कंडिका 13 में लिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा 1 से अधिक आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जो अंतिम समर्पित विद्या आवेदन है उसे ही वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, और पूर्व में, देखो पूर्व यहाँ पे गलत लिखा है इन्होंने, पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन फी जो आपने पे करा है 2 बार या 3 बार या 4 बार वो आपको नहीं लौटाए जाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए, उक्त के आलोक में परीक्षा संबंधी सूचना संख्या 28 में जो कुछ आवेदनकर्ता के जो रोल नंबर है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आवेदन थे, इनको रद्द कर दिया गया था। ऐसा बताया गया कि इनका जो है आवेदन रद्द किया जा रहा है, लेकिन बाद में देखिए कुछ गड़बड़ी हुई है और फाइनली जो है इन आवेदन नंबर को भी जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है, पुनर्बहाल कर दी गई है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इस नोटिफिकेशन से क्या मतलब निकलता है आपका। देखो इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए आखिरी जो भी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन, किसने 2 फॉर्म भरे 3 फॉर्म भरे, किनका छूट रहा है, दिव्यांग लोगों के बारे में बातें की जा रही है, दैट मीन्स व्हाट, ये आखिरी चरण की तैयारी है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने से ठीक ठीक पहले। यानी कि अब जो है आपको 1 to 5 का भी एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा और 6 to 8 का भी एग्जामिनेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अब बोलोगे कब, तो देखिए जब, अब आप देखो आखिरी समय इलेक्शन के हो रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लग रहा है संथाल परगना में भी इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन के दौरान भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब जो भी एग्जामिनेशन होगा वो 4 जून के बाद ही होगा। देखिए मैं पहले भी गलत साबित हो चुका हूं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, मुझे लग रहा था कि 4 जून के बाद ही सभी एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन JSSC ने बीच में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना शुरू कर दिया। लेकिन आपको भी पता है ढाक के 3 ही पाथ हो सके, और एग्जामिनेशन बहुत कम लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा चुका है 1 to 5 में। तो खैर अच्छी बात है एग्जामिनेशन को लेकर जो है JSSC हम लोगों को गलत साबित करे, एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराए, सभी लोगों का एग्जामिनेशन ठीक समय पर हो जाना चाहिए। ऐसे में देखिए तैयारी के लिए पेपर 3 का, मैथमेटिक्स का भी पेपर मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, जो कि पूछा गया था 1 मई के पेपर को मैंने अपलोड कर दिया है, आप उस मैथमेटिक्स वाले पेपर को देख लीजिए। ये 6 to 8 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये कॉमन पेपर है। आगे और भी आपको जो कंप्यूटर, GK के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी भी वीडियो आपको जल्द ही जो है इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें। नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो एग्जामिनेशन की कोई भी अपडेट आपसे चूक नहीं पाओगे, आप उसे देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।